पाली जिले के सुबीरपुर में अतिरिक्त कलेक्टर डॉक्टर राजेश गोयल ने मंगलवार को शासकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर बनाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर गोयल ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महिपाल सिंह से उचित जानकारी ली और प्राथमिक तौर पर अस्पताल की व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। इसी क्रम में अतिरिक्त कलेक्टर डॉक्टर गोयल मंगलवार की दोपहर सुमेरपुर उपखंड राजकीय अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यशाला, लेखा शाखा, ब्लड बैंक, एक्सरे रूम और इमरजेंसी समेत अन्य वार्डों का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाएं भी देखी। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त कलेक्टर गोयल ने बताया कि सुमेरपुर सीएससी का निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी प्रकार की सुविधा संतोषजनक पाई गई। सुमेरपुर से संवाददाता अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। आज मेरे द्वारा सीएससी सुमेरपुर का एट रैंडम इंस्पेक्शन किया गया विदाउट किसी प्री इंफॉर्मेशन के, और अच्छी बात यह रही यहाँ पे कि हमारे सीएससी के इंचार्ज और ब्लॉक सी एम सर और सभी डॉक्टर्स भी उपस्थित मिले, स्टाफ भी उपस्थित मिला। मुख्य रूप से एक साफ सफाई का सामान्य रूप से रहता है, जो मैंने बताया सभी डॉक्टर साहब को, मीटिंग भी ली है मैंने इन सबकी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट दो तीन चीज़ें मुझे जो नज़र आई यहाँ पे और जिसका मैंने रिपोर्ट में मेंशन भी किया है यहाँ, कि यहाँ पे कॉटेज वार्ड बने हुए हैं लेकिन उनको रिपेयर नहीं होने की वजह से हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे।